टूटे घर में पा लिया, अपने इस छोटे से घर में पा लिया। उस दिन भरोसा नहीं आता कि जिसे हम खोजने चले थे वह खोजने वाले में ही मौजूद था। परमात्मा का दिया हुआ यह शरीर भी तुम्हारा मंदिर ही है। जिन्होंने जाना है उन्होंने इस शरीर में ही उसे जाना है। फिर यह शरीर कैसा भी हो, गोरा हो या काला, स्वस्थ हो या अस्वस्थ, भेद नहीं पड़ता। इसी में छिपा है चैतन्य, उसका दूसरा नाम है। तुम्हारे भीतर जो दिया जल रहा है होश का, यह उसी की ही उपस्थिति है। जिसने पाया उसने यही कहा कि मेरे खोजे से कुछ भी ना हुआ, तुमने ही मुझे खोज लिया। एक इंच भी यात्रा पूरी ना हो सकी, और जब मैं बैठ गया थक कर तब तुमने हाथ बढ़ा दिया। और यही भक्ति का बुनियादी आधार है कि परमात्मा की खोज लेता है भक्तों को। भक्ति परम दशा है, परम दशा यानी कि भगवता, जहाँ भक्त और भगवान में भेद न रह जाए। जब तक भेद है तब तक अज्ञान है, जब तक दूरी है तब तक मिलने की प्यास, मिलने की पीड़ा कायम रहेगी। इंच भर भी दूरी हो तो दुख मौजूद रहेगा। सारी दूरी मिट जाए, भक्त भगवान में लीन हो जाए, भगवान भक्ति में लीन हो जाए, जैसे नदी सागर में गिर गई, अब कोई अंतराल नहीं रहा। नदी सागर हो गई और सागर नदी हो गया। ऐसी परम दशा का नाम ही भगवता है, जहाँ भक्त भी नहीं और भगवान भी नहीं, जहाँ अद्वैत मिट गया। पहला प्रश्न, महर्षि गुरु कृपा क्या है और वह कब प्राप्त होती है? महर्षि उत्तर देते हुए कहते हैं, कई बार आदमी जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करके भी संतुष्ट नहीं होता। जब भी कोई इच्छा पूरी होती है तब क्षण भर के लिए भ्रम होता है। क्षण भर के लिए तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ क्षण भर के लिए। जैसे ही कोई इच्छा पूरी होती है 10 इच्छाएं उसकी जगह जन्म ले लेती है, फिर से सारी बेचैनी शुरू हो जाती है, सारा जंजाल शुरू हो जाता है, और यह कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। सिर्फ अपने केंद्र को पा लेने पर ही यह प्रक्रिया रुकती है, तब फिर चक्र नहीं चलता। अपने केंद्र पर, अपने ही घर वापस आ जाने पर सारी वासनाएं विदा हो जाती हैं। तुम पूरी तरह से और हमेशा के लिए संतुष्ट हो जाते हो, और यह एक क्षणिक संतुष्टि नहीं होती, यह संतोष है, परम संतोष। वास्तव में अपने भीतर घर आ जाना ही संतुष्ट करता है, और ऐसी स्थिति का प्राप्त हो जाना ही गुरु कृपा है। ऐसी स्थिति की प्राप्ति के लिए भक्त ईश्वर से प्रार्थना करता है, और फिर भक्त का मन भक्ति से शक्ति प्राप्त करता है और अंतर्मुख होना प्रारंभ कर देता है। तो क्या एक साधक गुरु कृपा इसलिए चाहता है क्योंकि उसे भौतिक जगत का जीवन व्यर्थ मालूम पड़ने लगता है? हाँ, उसे ऐसा दिखाई देने लग जाता है कि जीवन में सभी चीजें, सभी वादे हैं, लेकिन सब झूठे हैं। ऐसा उसे प्रतीत होने लग जाता है, क्योंकि कभी कुछ मिलता नहीं। धन वादे करता है कि यदि तुम्हारे पास यह होगा तो तुम्हें मदद मिलेगी, लेकिन लोग धनी से धनी होते चले जाते हैं और प्रसन्नता कभी भी नहीं आती। यह हमेशा क्षितिज की तरह होती है, बहुत भ्रमक। रिश्ते यह भ्रम देते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारा सारा जीवन आनंदित हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। तो महर्षि, इस भौतिक जीवन में आनंद अगर संभव नहीं तो हमें आनंद की अवस्था प्राप्त हो जाए, कोई ऐसा मार्गदर्शन करें। जो है उसमें सुख लेने की कला संतोष है। आप संतोष का मतलब समझें। संतोष कोई अपने आप को समझा लेना नहीं है कि जो भी हुआ वह ठीक हुआ, कि अपने मन को समझा लिया है